हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी पे, यानी कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जाए तो साइकोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ जो होता है आज उसको समझेंगे। और इसको समझना क्यों जरूरी होता है, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस आपका इससे भरा पड़ा होगा। बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसको समझना क्यों जरूरी होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक टीचर होने के बिहाव पर आपको बच्चों का साइकोलॉजी जानना जरूरी है ताकि आप बच्चों का अध्ययन कर सके। उसके अलावा अगर बात करें आपके कोर्स की तो आपका पूरा सिलेबस चाइल्ड साइकोलॉजी से भरा होता है, क्योंकि ये टीचर से क्या कहते हैं उम्मीद की जाती है कि एक टीचर को मनोविज्ञान आना चाहिए ताकि वो बच्चों को पढ़ सके। आप इसको समझने के बाद में अपना एग्जाम तो बहुत इजीली क्लियर कर ही लेंगे, आप एक बेस्ट टीचर भी बन सकते हैं, उसी के साथ साथ आप बेस्ट इंसान भी बन सकते हैं। समझते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरीके से है और क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, है ना, इन डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में परिप्रेक्ष्य की अवधारणा एवं परिचय, यानी कि क्या कहते हैं परिप्रेक्ष्य को दृष्टिकोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हम लोग समझेंगे। किसको? पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसके अकॉर्डिंग, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आया है उसको समझते हैं। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी का, या फिर ये कह लो कि क्या कहते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, विकासात्मक साइकोलॉजी का डेफिनेशन समझते हैं, उससे और बहुत ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स चेंज ओवर टाइम एंड द फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस दीज चेंजेस। ठीक है, क्या है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यह है कि यह इस चीज का अध्ययन करता है कि किसी भी व्यक्तिगत बच्चों में किस तरीके से क्या होता है, एक्सचेंजिंग आती है, बदलाव आता है, और ओवर टाइम यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि इन्फेंसी एज में कैसे बदलाव आएगा, चाइल्डहुड एज में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, एडोलेसेंस एज में, एडल्टहुड में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं उसको डिस्कस करता है, टाइमली अकॉर्डिंग कैसे कैसे बदलाव आ रहा है उसको डिस्कस करेगा। उसके बाद है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों के जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर चीजों को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसकी डिस्कस करता है। उसके बाद उसका होता है प्रोड्यूस, उसका परिणाम निकल के क्या आता है, ये जो फैक्टर्स है जिस बिहाव पर बच्चे के अंदर में ये डेवलपमेंट हो रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो हो रहा है बच्चे के अंदर में, उसका परिणाम निकल के क्या आता है, इसको कहते हैं हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया, अब इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में विकास की अवधारणा क्या होती है उसको समझिए। देखिए पहला जो पॉइंट होता है यहां पर देख सकते हैं आप, डेवलपमेंटल रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। कहने का क्या मतलब है, इसके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया हर जीव चीजों में पाई जाती है, जितनी चीजों में जान होता है सब में विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। और ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई और ये डेवलपमेंट जो है पूरी दुनिया में एक ही तरह से पाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है पूरी दुनिया में एक ही तरह से होता है। देखिए यहां पर क्या होता है, इन्फेंसी से क्या जाता है, चाइल्डहुड एज में जाता है, चाइल्डहुड से किस में जाता है, एडोलेसेंस में जाता है, एडोलेसेंस से किस में जाता है, एडल्टहुड में जाता है, और उसके बाद में किससे जाता है, ओल्ड एज में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत में ऐसा होता है तो अमेरिका में इस तरह से होता है कि पहले ओल्ड एज जीता है फिर बच्चे का एज, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और ये कब से कब तक होता है, ये गर्भधारण से लेकर के आपके मृत्यु तक चलता रहता है, आप इसको जानते हैं अच्छे तरीके से, गर्भधारण से लेकर के आपके मृत्यु तक चलता रहता है। और क्या कहते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, इंसान के जीवन में होने वाले विकास के अवधारणाएं जो होती है, विकास की जो क्या कहते हैं कि स्टेजेस जो होते हैं उसी को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। और इसको बच्चों का मनोविज्ञान भी बोला जाता था स्टार्टिंग में, यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं क्या कहते हैं स्टार्ट करूंगा तब मैं बोलूंगा। देखिए एक होता है आपका क्या कहते हैं कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ये होता था, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं इसके कॉन्सेप्ट की, स्टार्टिंग में ये होता था कि बाल मनोविज्ञान ही सिर्फ इस विज्ञान को बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है सिर्फ बच्चों के विज्ञान पर ही डिस्कस किया जाता था, इन्फेंसी एज पर डिस्कस किया जाता था। लेकिन टाइम एक्सचेंज हो गया और उसके बिहाव पर इन्फेंसी एज के अलावा चाइल्डहुड एज पर भी इस पर डिस्कस होने लग गया, उसके बाद में एडोलेसेंस एज पर भी, उसके बाद एडल्टहुड पर भी डिस्कस
कॉन्शियस होना लग गया, तो इस बिहाब पर क्या हुआ, बाल मनोविज्ञान से बढ़ करके ये क्या हो गया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर कन्वर्ट हो गया। और इसको आप बाल मनोविज्ञान बोलो या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलो, बात एक ही है। समझ में आ गया? टाइम के अकॉर्डिंग बाल मनोविज्ञान से किस तरीके से, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से किस तरीके से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है ये, इसको आपने अच्छे से समझा। अब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आप। देखिए, डेवलपमेंटल किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करता, इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करता, उसके अलावा क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात तो करता ही करता है, इन सब की बात तो करता ही करता है। लेकिन आपको सिर्फ यह उदाहरण नहीं बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है, बल्कि किसकी बात करता है, ये एक्सचेंजिंग की भी बात करता है, यानी कि परिवर्तन की भी बात करता है। डेवलपमेंट तो हो ही रहा है लेकिन परिवर्तन भी उसमें देखने के लिए मिलता है, और वो कौन कर रहा है, आपका साइकोलॉजी कर रहा है, मनोविज्ञान कर रहा है। कैसे कैसे? आपके बिहेवियर में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये कहता है कि अगर इन्फेंसी एज में है तो बच्चे के अंदर में सेंसिटिव ऑर्गन्स बहुत ज्यादा हार्ड होगा, अगर चाइल्डहुड एज में है तो बच्चे के अंदर में जो है थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, अगर एडोलेसेंस एज में है तो बच्चे के अंदर में लॉजिकल पावर बहुत अच्छे से होगी। तो ये क्या कह रहा है कि उसके बिहेवियर में एक्सचेंजिंग भी लाता है विकास के साथ साथ में। उसके बाद क्या कहते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, उसके अंदर में जितनी क्षमताएं हैं, जितनी स्किल्स हैं, उसको किस तरीके से डेवलप करना है, उसको वो कौन कौन सी स्किल्स और कैपेसिटी है, किस किस एज में कैसे कैसे डेवलप करेगा, कैसे कैसे क्रिएटिविटी आएगी, उसकी भी डिस्कस करता है। सिर्फ अवधारणा ये नहीं बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है आपके अंदर में स्किल्स है, कौन सी स्किल्स किस तरीके से काम आएगी, किस एज में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ये भी बात करता है। क्रिएटिविटी की बात करता है कि बच्चे की इस एज में वो क्रिएटिविटी करवाओ, प्ले वे से उसको पढ़ाओ, तो उसमें जो है बहुत डेवलप होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनात्मक किस तरीके से किस एज में बनाया जाएगा बच्चों को, तो बहुत ज्यादा जो है डेवलप होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट भी करता है, ग्रोथ भी करता है और एक्सचेंजिंग भी करता है साइकोलॉजी। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के साथ साथ में क्या होता है, यह होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, यानी कि किसी चीज को छोड़ना। इसके साथ में समझा आपने, ग्रोथ, एक्सचेंजिंग और उसके बाद डेवलपमेंट के साथ साथ में ये डिक्लाइन भी करता है, यानी कि पतन भी करता है। पतन का क्या मतलब होता है, ये डेवलपमेंट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये पतन यानी कि डिक्लाइन भी करता है। जैसे कि जो 5 साल का 4 साल का जो बच्चा होता है, उस बच्चे का जो कौन सा दांत होता है, दूध वाला दांत होता है ना, तो 6 साल होते होते क्या होता है, दूध वाला दांत टूट जाता है। दिस मीन के डिक्लाइन, यानी कि वो डिक्लाइन भी साइकोलॉजी ही कर रहा है। ये जो टूट गया, टूट के गिरने के बाद में ही तो दूसरे दांत आएंगे ना। जैसे कि बच्चा जो है बड़ा होते होते, जैसे कि आप जो है एडल्टहुड को जब क्रॉस करते हो, एडल्टहुड को क्रॉस करते करते आपके अंदर में क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़ चुका होता है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ में आप कुछ चीजें भूल भी तो जाते हो ना, बच्चों की चीजें आप भूल भी जाते हो, बच्चों का नेचर आप भूल भी जाते हो। ये जो भूलना था, ये डिक्लाइन भी जो है, ये पतन भी जो है, कौन कर रहा है, साइकोलॉजी कर रहा है। और ये ऊपर जाकर के एक्सपीरियंसेस जो आपने गेन किया वो भी कौन कर रहा है, आपका साइकोलॉजी कर रहा है। तो समझ में आ गया, आपका डेफिनेशन समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, कैसे आया, किस तरीके से, कौन कौन सी चीजों को इसमें फॉलो किया गया। देखिए, पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकास के परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसमें, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप ग्रीक, आपने सुना होगा, ग्रीक एक लैंग्वेज भी है, ग्रीक एक देश भी है जिसको यूनान बोलते हैं, ग्रीक एक देश है। और अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी की जो फाउंडेशन होती है, डेवलपमेंट होता है हिस्टोरिकल, वो कहां से होता है, वो दर्शन से होता है। दर्शन मतलब फिलॉसफी से होता है। शुरू में फिलॉसफर लोगों ने, यानी कि दार्शनिक लोगों ने इसका डेवलप किया, और दार्शनिक से लेते लेते फिर कहां पर आ गया, ये साइकोलॉजी के अंदर में आ गया। देखिए, ग्रीक एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर मिलते हैं। आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है ये, क्या कहते हैं, फिलोसफी दुनिया का। उसके बाद जेबी वाटसन का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना, बहुत बड़ा नाम है ये। ये सब कहां से बिलोंग करते हैं, अगर मैं बोलूं प्लेटो को बोलूं, उसके बाद क्या कहते हैं एरिस्टोटल, इसके जो क्या कहते हैं कि विद्यार्थी थे, वो कहां से बिलोंग करते थे, आपके ग्रीक से, ग्रीक देश से ही, यानी कि यूनान से ये लोग बिलोंग करते थे। अब जो है उस टाइम में जो ये अवधारणा है, इसकी जो शुरुआत होती है किस तरीके से होती है, शुरू में प्लेटो जो है, प्लेटो एक किताब लिखते हैं। क्या किताब लिखते हैं, ये लिखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक एक किताब लिखते हैं, और ये क्या मानते हैं, रिपब्लिक में ये मानते हैं कि मैन इज मेड अप ऑफ बॉडी एंड सोल। ये मानते हैं कि इंसान का निर्माण जो होता है वो बॉडी और सोल से मिलकर के होता है, इन दोनों से। यहां पर अभी जो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन नहीं है, यहां पर अभी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ही चल रहा है। यहां पर क्या मान रहे हैं प्लेटो ये मान रहे हैं कि इंसान का निर्माण किससे, बॉडी से और सोल से होता है, ये मान रहे हैं।
अब अगर हम बात करें कि उस टाइम में साइकोलॉजी जब डेवलप होता है तो उस टाइम में क्या माना जाता है, साइकोलॉजी को लोग बोलते हैं कि साइंस ऑफ सोल है। ये साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं कि ये साइंस ऑफ सोल है, यानी कि आत्मा का अध्ययन है। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन है। लेकिन लोग इसको डेफिनेशन नहीं कर पाते हैं कि आत्मा का अध्ययन किस तरीके से होता है। उसके बाद बोला जाता है साइंस ऑफ माइंड है ये। लोग क्या कहते हैं कि ये साइंस ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी को नाम देते हैं, फिर भी इसको माइंड को किस तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि साइंस ऑफ कॉन्शियस है, यानी कि जो दिमागी क्षमताएं हैं, कॉन्शियसनेस है इंसानों के अंदर में, ज्ञान है वो है, लेकिन वो भी नहीं डिफाइन कर पाते हैं। उसके बाद में बोला जाता है साइंस ऑफ बिहेवियर। अब लोग समझते हैं कि हाँ साइंस ऑफ बिहेवियर है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर इसमें डिफाइन किया जाता है। समझ में आया स्टार्टिंग में इसके नाम किस तरीके से पड़े, किस तरीके से इसमें चीजें डेवलप हुई, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है किस तरीके से किस सेंचुरी में क्या क्या बातें हुई उसको अच्छे से आप याद कर लो। ज्यादा अच्छे तो ज्यादा नहीं मैंने इंक्लूड किया, इतना आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एक आपका जो है ट्रेनिंग कोर्स है और इसमें जो है साइकोलॉजी को आधा पोर्शन आपका साइकोलॉजी होता है। देखिए 78th सेंचुरी में एक नाम आता है जॉन कॉमेनस, है ना, जॉन कॉमेनस एक नाम आता है और 78th सेंचुरी में ये क्या करते हैं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये बनाते हैं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी बनाते हैं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी किताब भी लिखते हैं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये अपना स्कूल भी डेवलप करते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इस इन्फेंसी स्कूल में ये इस करिकुलम की बात करते हैं और इस करिकुलम के अकॉर्डिंग उनके जो क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम होता है उनमें इंटरेस्टिंग लाता है, यानी कि साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड करता है और उसमें इंटरेस्टिंग लाता है कि बच्चे को हम पढ़ते हैं किस तरीके से बच्चा किस एज में क्या-क्या चीजें सीखेगा, कैसी-कैसी हरकतें करेगा, उसको सीखने के लिए क्या करते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी बनाते हैं। यहां पर जो है यहां पर आप देख सकते हैं 78th सेंचुरी में सिर्फ यह माना जाता था कि साइकोलॉजी क्या है, बाल मनोविज्ञान है, सिर्फ यह माना जाता था बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान के होने के यहां पर क्या होता था, सिर्फ बच्चों की स्टडी की जाती थी, यह मानते थे कि जो लोग जो क्या कहते हैं कि शिशु अवस्था में होते हैं, इन्फेंसी एज में होते हैं, उसी को पढ़ना क्या है बाल मनोविज्ञान है, विज्ञान है ना, उसी को पढ़ना, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ उसी को पढ़ना बाल मनोविज्ञान है। लेकिन नहीं, ये डेवलप होता है, डेवलप होने के साथ साथ में ये देखा जाता है कि चाइल्डहुड में क्या क्या है, एडोलेसेंस हुड में क्या क्या है, एडल्टहुड में क्या क्या है, परिपक्वता के एज में क्या क्या है, प्रौढ़ अवस्था के एज में क्या क्या है, तब जाकर के ये जो है बाल मनोविज्ञान कहां डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक साइकोलॉजी की तरफ चला जाता है। तो यहां तक यही माना जाता था कि सिर्फ बाल मनोविज्ञान है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 78th सेंचुरी में ही एक और नाम आता है, डिकेटर्स करके नाम आता है, डिकेटर्स एक नाम आता है, ये साइंटिफिक थिंकिंग, ये साइंटिफिक थिंकिंग पे बहुत जोर देता है, यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग है ना उसको डेवलप करो तब जा करके बच्चे के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है, ये बोलते हैं। उसके बाद में 78th सेंचुरी में जॉन लॉक का भी नाम आता है, जॉन लॉक का भी नाम आता है, ये साइकोलॉजी में किसको डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि उनके इंटरेस्ट को देखा जा सकता है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चों के इंटरेस्ट को देखा जा सकता है, विलिंगनेस को, उसकी इच्छाओं को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कैपेसिटी को देखा जा सकता है, और व्यक्ति का निर्माण ये मानते हैं कि एनवायरमेंटल के बेस पे होता है, यानी कि पर्यावरण के बेस पर व्यक्ति का निर्माण होता है। ये कौन मानते हैं, जॉन लॉक मानते हैं, कब मानते हैं, 78th सेंचुरी में। उसके बाद जो है आपका 18th सेंचुरी जो है 88th सेंचुरी आपका शुरू हो जाता है, और 88th सेंचुरी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है, रूसो एक बहुत बड़ा नाम है, जो कौन सी किताब लिखते हैं, ये इमाइल लिखते हैं, इमाइल है ना, EMILE, ये रूसो कौन सी किताब लिखते हैं, इमाइल, और ये क्या बोलते हैं, परमिसिव एटीट्यूड यानी कि अनुज्ञात्मक अभिवृत्ति, ये कहते हैं कि बच्चों के जो नॉलेज है, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों की जो क्या कहते हैं जिज्ञासा है, उसकी जो अभिवृत्ति है यानी कि एटीट्यूड है, उसको अगर समझा जाए, उसके बिहाव पर अगर बच्चों को अध्ययन किया जाए, तब जाकर के आपका मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो सकता है, ये रूसो मानते हैं। उसके बाद में है कि 80th सेंचुरी में बहुत सारी किताबें डेवलप होती है, बहुत सारे स्कूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, अब न्यूज़पेपर में भी बहुत बातें शुरू हो जाती है। फिर आता है आपका 90th सेंचुरी में एक टैन करके नाम आता है, TANE, टैन जो है साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या मानते हैं, ये लिखते हैं एक किताब, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कौन सी किताब लिखते हैं, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, और 90th सेंचुरी में आकर के अब जो है ना लोग जो है साइकोलॉजी को क्या करते हैं, बहुत अपनाना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजी पर बातें करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को समझने के लिए हर जगह, हर स्कूल में, हर किताबों में, हर अखबार में, हर जगह पर कहां साइकोलॉजी को जो है प्रकाशित करना
शुरू कर देते हैं। 90th सेंचुरी में बहुत बड़ा बदलाव आता है और यहां पर क्या है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट कौन लिखते हैं, ये 10 जो साइकोलॉजिस्ट है, TAIN 10 जो है ये लिखते हैं और इसके बाद में बहुत डेवलप होता है 90th सेंचुरी में। उसके बाद आता है आपका 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या होता है कि जितनी भी चीजें फैली हुई का क्या मतलब है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि साइकोलॉजी क्या है, आपका सोल है, कोई कह रहा माइंड है, कोई कह रहा कॉन्शियस है, कोई कह रहा बिहेवियर है, ये जितनी भी चीजें फैली होती है ना, अब जाकर के 20th सेंचुरी में ये जो है एक सिस्टमैटिक रूप ले लेता है कि नहीं, इन्फेंसी एज में ये होगा, क्या कहते हैं, चाइल्डहुड एज में ये होगा तो यही होगा, एडोलेसेंस एज में तार्किक विज्ञान आएगा तो आएगा। तो ये जो है एक सिस्टमैटिक सिचुएशन आना शुरू हो जाता है और ये बोला जाता है कि मनोविज्ञान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखा जा सकता है, किस सिचुएशन में कौन सा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा ये मनोविज्ञान डिस्कस करेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है मनोविज्ञान बिखरा पड़ा था उसको 20th सेंचुरी में आकर के जो है एक सिस्टमैटिक रूप दिया जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब कब क्या क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है उसकी बात किया जाने लगता है, है ना। उसके बाद में क्या कहते हैं, क्लियरनेस आ जाती है, यानी कि बहुत बहुत जो है क्लियरनेस आ जाती है कि जो है अगर बच्चा जो है सेंसिटिव से सीख रहा है तो इन्फेंसी एज का बच्चा है, अगर बच्चा जो है थिंकिंग पावर को ला रहा है तो वो क्या कहते हैं चाइल्डहुड का बच्चा है, अगर वो रीजनिंग पावर तार्किक शक्ति परिकल्पना से यूज कर देता है तो कहां आ रहा है, वो एडोलेसेंस एज में आ जा रहा है। यहां क्लियरनेस हो जाता है पूरा। आपने जाना, आप जानते हैं कि जैसे कि जिन प्याजे आ जाते हैं उसके बाद में क्या कहते हैं कि वाइगोट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बड़ी समस्या होती है शुरू में, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कोई जो देखिए एक बच्चा तो एबनॉर्मल है एक बच्चा नॉर्मल है, अब इसको भी समझना शुरू कर देता है साइकोलॉजी 20th सेंचुरी में आकर के कि एबनॉर्मल बच्चे जो है उसके साथ में कैसे पढ़ाएंगे, नॉर्मल बच्चा जो है उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, निम्न बुद्धि का जो बच्चा है गिफ्टेड चाइल्ड जो है यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा जो है उसको कैसे पढ़ाएंगे, इन सबको जो सोल्यूशन है वो निकालना शुरू कर देता है 20th सेंचुरी में और इसका जो है यहां पर सिस्टमेटिक वे में इसको क्या कहते हैं उपयोग किया जाने लगता है। इसके यहां पर जो है 20th सेंचुरी में एक नाम आता है गैसल करके, GESELL गैसल करके एक नाम आता है और ये क्या लिखते हैं, मेंटल ग्रोथ इन इन्फेंसी, ये किताब लिखते हैं मेंटल ग्रोथ इन इन्फेंसी और इस किताब का ऐसा धूम मचता है कि 20th सेंचुरी में हर जगह पर इस किताब के बिहाब पर पाठ्यक्रम बनाया जाने लगता है और स्कूलों में जो है पाठ्यक्रम के अंदर में जो है इसकी चीज शुरुआत हो जाती है। अब जाकर के 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा जो नाम आता है 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, जीन पियाजे का। इनका नाम आपने सुना होगा, है ना। जीन पियाजे जो है बहुत क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड को लेकर के एक क्या करते हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट थ्योरी दे देते हैं ये जो है चाइल्डहुड को चार भागों में बांट देते हैं और ये कहते हैं कि इन्फेंसी एज में ये करेगा, है ना, क्या कहते हैं एडोलेसेंस एज में ये होगा, चाइल्डहुड एज में ये होगा, ये पूरा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से उसको एज वाइज, है ना, क्या कहते हैं स्टेज वाइज, है ना, कैटेगरी वाइज सब कुछ बांट करके एकदम क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद भी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे कि अब जीन पियाजे के अलावा थॉर्नडाइक है, उसके अलावा अगर बात करें अब्राहम मैस्लो है, वाइगोट्स के, ये लोग आते हैं और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को बहुत दूर लेके चले जाते हैं। उसको हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं थ्योरी को डिस्कस करेंगे इसके बाद में। अभी देखिए 1986 में एक नाम है आपका प्रोफेसर टी एस स्वार्थी, ये लिखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन इंडिया। अब अगर बात करेंगे, जब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इतना डेवलप कर गया तो हमारे इंडिया में किस तरीके से आया, अब ये जो है यही जो है प्रोफेसर टी एस स्वार्थी ये किताब लिखते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी इन इंडिया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान इंडिया में किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो ये जब किताब लिखते हैं तो इंडिया में भी इसका कॉन्सेप्ट होना शुरू हो जाता है, लोग इसको अपनाना शुरू कर देते हैं और लोग इसको अपना करके अपने मनोविज्ञान में, बच्चों के मनोविज्ञान में, क्लास के पाठ्यक्रम में, सब चीजों में ये इंक्लूड किया जा सकता है। और आज आप यही वजह है कि आप हम ये चीज पढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आज बच्चे को हम लोग समझते हैं, उनको सुसाइड करने नहीं देते, उन पर हाथ नहीं उठाते, उनको आंखें नहीं दिखाते, यही वजह है कि हमारा जो मनोविज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि एक बच्चा हमारे साथ में मिल करके सीख सकता है, समझ करके सीख सकता है, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकता है। तो ये था आपका साइकोलॉजी का डेफिनेशन, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह का सुझाव हो, यानी कि आपका ओपिनियन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर बोलिएगा, मैं उस तरह से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।